बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गजरेला की बहुत ही आसान रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार और खाने में लाजवाब और बहुत आसानी से बनता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम 1/4 कप चावल ऐड करेंगे। यहाँ हमने छोटे हुए चावल लिए हैं, जिसे सफ़ेद चावल भी कहते हैं या कच्चे चावल या खीर वाले चावल भी कहते हैं। चावल अच्छी तरह से धोकर भगोने के लिए रख देंगे। चावल को तकरीबन 30 से 40 मिनट तक भिगो लेंगे। हमने हाथ की मदद से चावलों का चूरा बना लिया है और अब उसको साइड पर रख देंगे। हमने गाजर लिए हैं तकरीबा 1/2 किलो। गाजर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब एक पीलर की मदद से इनको पील ऑफ करेंगे। गाजरों को पील ऑफ करने के बाद एक ग्रेटर लेंगे और सारी गाजरों को एक एक करके ग्रेट कर लेंगे। हमने मैनुअल ग्रेटर से गाजर को ग्रेट किया है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक ग्रेटर मौजूद है घर में तो आप इससे भी आसानी से ग्रेट कर सकते हैं। गाजर अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। हमने दरमियाना साइज का ग्रेटर यूज किया है, इसलिए गाजरों का साइज ना ज्यादा मोटा है और ना ज्यादा बारीक। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक कढ़ाई ले या कोई भी बर्तन ले जो आपके पास अवेलेबल हो। इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी या बनास्ती की ऐड करें। घी कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ग्रेट की हुई गाजरें डालेंगे। अब इन गाजरों को 3 से 4 मिनट तक घी में हम पकाएंगे, दरमियानी आंच से थोड़ी तेज आंच पर। अब गाजरों को हम फ्राई करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना लाजमी है। इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो चीनी के मकदार को आप ज्यादा या कम कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक उसे फ्राई करेंगे। अब इसमें चावल ऐड करेंगे, जिसका पहले ही हमने चूरा बना लिया था। चावल और गाजरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक उसे फ्राई करेंगे। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। अब इसमें 1.5 लीटर दूध डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। दूध और गाजरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इस पर ढक्कन रखकर 10 से 12 मिनट तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको तकरीबन 12 मिनट तक हमने पका लिया है। अब इसका ढक्कन हटा देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे सब्ज इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास सब्ज इलायची का पाउडर नहीं है तो आप सब्ज इलायची को कोट कर इसमें शामिल करें 1/2 टीस्पून। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1/2 कप। लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें कटे हुए बादाम। अगर आप बादाम की जगह पिस्ता या अखरोट ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। इसको हमने ज्यादा थिक नहीं बनाना। रेफ्रिजरेट करने पर इसकी कंसिस्टेंसी वैसे ही थिक हो जाती है। हमने फ्लेम बंद कर दी है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा मज़ेदार गजरेला तैयार है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पिस्ता और बादाम को बारीक काट कर इसको गार्निश करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। 3 से 4 घंटे रेफ्रिजरेट करें और फिर सर्व करें। गजरेला की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपीज के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।